बाहर से लाहौर का पसंदीदा मेरा फेवरेट नाश्ता है ये, और ये कहाँ पे मौजूद है? जी तो ये मैकडोनल्ड्स खुला है, ड्राइव थ्रू है सिर्फ ये, और वैसे पूरा का पूरा मैकडोनल्ड्स सॉरी ड्राइव थ्रू नहीं है, ये खुला है गार्डन टाउन में, इसके ऑपोजिट बिल्कुल KFC है, सो यू कैन एंजॉय। अभी मैं आप लोग को लेकर जा रही हूँ साथ गुल भाई के नान चने खिलाने के लिए। तो गुल भाई के नान चने खाने के पहले हम लोग पहले लाल हवेली से गुजरे, लाल किला, पता नहीं क्या इधर बात है, मैं इधर 3-4 दफ़ा आने की कोशिश किया लेकिन मैं खा नहीं सकी, पता नहीं क्या अल्लाह की मर्ज़ी हो इसके अंदर। तो अभी हम जा रहे हैं गुल भाई के नान चने खाने के लिए, बिकॉज मैंने जो है वो यहाँ पर जो बेस्ट पहले क्या हुआ था, गुल भाई की स्टोरी थोड़ी सी एक्सप्लेन करती हूँ। गुल भाई के साथ क्या हुआ था बेचारे के साथ ना, ये हुआ कि उन बेचारों के साथ ना उनका शेफ चेंज हो गया, कोई लड़ाई होगी, तो उन्होंने बहुत ही बुरा जो है वो खाना देना शुरू कर दिया था, उन्हें कस्टमर सारे जाना शुरू हो गए। फिर उसके कुछ ही टाइम के बाद जो है गुल भाई के शायद उन्होंने शेफ़ वापस ले लिया या क्या किया, हमने भी खाना बंद कर दिया था उनके चने, और फिर उसके बाद उन्होंने शायद शेफ़ को वापस बुला लिया, नाम न हो के या कोई इसकी रेसिपी देख ली, आई थिंक से वापस आया वो बंदा। उसके बाद जब वापस आ गया तो बस फिर क्या था, फिर हमें गुल भाई के नान चने खाने को नसीब हुए और अब बेहतरीन हुए, तो आज हम वही खाने के लिए जा रहे हैं। आपको इधर से मुड़ना है। गुल भाई के नान चने ऑलमोस्ट 2 बजे से पहले पहले ख़त्म हो जाते हैं, यहाँ पे हर तरह का कॉलेज लाइफ का और यूनिवर्सिटी लाइफ का बंदा यहाँ आके सब कुछ खा पी के चले जाते हैं। बट अगर कभी किस्मत हो जैसे आज हमारी थी और दोपहर के टाइम ही खुले हुए थे तो इनके चने वगैरह पड़े थे, वरना ईद वाले दिन तो क्या हुआ था कि सारे इनके बिक गए थे, पता नहीं कितने किलो माशाल्लाह इन्होंने बनाए थे, अल्लाह इनके बरकत ऐसे ही दे। यहाँ पर सिर्फ चने ही नहीं मिलते लेकिन चने इनके ज़्यादा चलते हैं, इसके आगे पीछे और भी बहुत सारे नाश्ते वाले हैं, लेकिन उनका वो लोग ज़्यादा उनको प्रेफर गुल भाई को ही करते हैं। जो तस्वीर लगी हुई है ना ये उन्हीं की है, गेस गुल भाई की, आई हैवंट मेट हिम पर्सनली, लेकिन यहाँ पर उन्हीं का ज़्यादा चलता है। बाकी और भी गोगा नकीबा और सारे, लेकिन और लोग कहते हैं जी ट्राई करेंगे ट्राई करेंगे, सब जानते हैं सब गुल भाई खाने के लिए आते हैं, लेकिन गोगा नकीबा तो हम नहीं खाने आए थे, वी वर नॉट इन अ मूड। हालांकि लोग बहुत कह रहे होते हैं समटाइम्स, फिर आप चलें उसका थोड़ा सा टेस्ट ले लें, बट मैं 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप लोग गुल भाई के चने भी खा कर देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसमें ना इनकी एक स्पेशल होती है, उसमें फ़ायदा होता है, वो ये होता है अगर आपने वहीं बैठ के खाना है आप स्पेशल उनसे ले लें, उसके बाद आप उसके अंदर जो है उनसे दोबारा थोड़ा थोड़ा वो और आपको ग्रेवी के साथ डाल के दे देते हैं। तो वही अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए चने वगैरह, साथ में जो इनका चनों के अलावा जो बेहतरीन है जिसके बगैर इनके चने भी अधूरे हैं, वो है इनका रायता। इनका रायता बहुत बेहतरीन है, उसके अंदर उन्होंने क्यूकम्बर्स काट के डाले हुए हैं, प्याज भी है शायद, और वो बहुत टेस्टी है। इनके चने रायते के बगैर अधूरे हैं और रायता चनों के बगैर अधूरा है। साथ में गर्मा गर्म नान भी मिल जाते हैं आपको, यहाँ बॉटल्स वगैरह भी मिल जाती हैं, तो वही खाकर अब हम वापस जा रहे हैं। एंड आई होप यू लाइक दिस स्मॉल व्लॉग, छोटा सा जो मैंने बनाने की कोशिश की, बट यही मैं कहूँगी आप सबको कि एक दफ़ा ट्राई करके देखिए, अगर करें हैं तो वेरी गुड, आप खुद भी जानते होंगे क्या इसका टेस्ट है, और अगर बुरा टेस्ट है तो ऑब्वियसली आपने इनका वो बीच वाला टाइम जब ख़राब इनके चने हुए तो वो खा लिया था, तो प्लीज़ दोबारा ट्राई करें इनको एक दफ़ा, एंड आई एम श्योर कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। और दो लोग आराम से ये जो है नाश्ता वो 250 से 200 में बोतल समेत कर लेते हैं, सो इकोनॉमिकल नाश्ता है, टेस्टफुल नाश्ता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।